एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे वो गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। और ये फ्राइड फिश, कोक और शायद इसके बाद में कुछ स्वीट डिश भी ला के देंगे ये लोग। सो ये प्रॉपर 3-course meal है जो स्पेनिश रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है। तो यहीं पे कार कहाँ पे पार्क होगी? यहीं पे पार्क होगी। तो ये डेना की पार्किंग में वो खंबा लगा है तो पार्क कैसे करूँगा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन, एक और नई सुबह हो चली है। मैं पहुंच गया हूं अभी स्पेन में। कल पोर्टुगल लिस्बन से निकले थे और अगेन वहां भी शाम हो गई थी, 5:15 बज गया था निकलते हुए। और करीब 750 किलोमीटर रात को ड्राइव करके 2:30-2:30 के आसपास हम यहां पहुंचे। 2:30 होटल में चेक इन किया और लगभग 2 घंटे और लग गए कुछ काम वाम को सब रैप अप करते हुए सोते सोते। तो 4:30 हम रात को सोए हैं और अभी सुबह 10:30 सीधे नींद खुली है लगभग 5-6 घंटे के बाद में। और फटाफट, क्योंकि आज की जर्नी भी बहुत लंबी है, कोशिश है कि ऑलमोस्ट पेरिस पहुंचना है या पेरिस से 100-150 किलोमीटर पहले रुक जाऊंगा। तो पेरिस यहां से करीब 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर बचा हुआ है, 1,000 या 1,020-30 कुछ ऐसे बचा होगा आई गेस। तो दिन लंबा होने वाला है। दिन की शुरुआत आप लोगों को वेलकम करते हुए, इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई बात हो नहीं सकती है। तो वेलकम टू आवर चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। इस चैनल पे मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड हियरिंग अवेयरनेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। लगभग 29 कंट्रीज कवर करते हुए 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, जो कि इंडिया से राइट हैंड ड्राइव की कार में लेके आया हूँ और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइव चलती है। बट ये ट्रैवल पूरा करते हुए और आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज का दिन ट्रैवल में ही निकलने वाला है ऑलमोस्ट, और शाम तक पहुँचेंगे पेरिस। बट रास्ते में एक दो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ये जिस होटल में हम रुके थे, ये वहाँ से बाहर का व्यू है। आप देखें कि यहाँ नॉर्मल, और ये एक हाईवे होटल है, ये कोई बहुत ऐसा कोई रिजॉर्ट या कोई वो नहीं है। बट ये है कि यहाँ की लैंडस्केप जो बाहर की नॉर्मल लैंडस्केप है वो भी इतनी अच्छी है कि मज़ा ही आ गया। जैसे ही सुबह उठे और ये खिड़की खोला और इस व्यू के साथ में बाहर में बिल्कुल अमेजिंग व्यू था, सो मज़ा आ गया। चलते हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। निकलने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को एक चीज़ और जल्दी से दिखा दूं। यहाँ का जो वॉशरूम है यूरोप का, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई थिंक मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में सिर्फ दूर से तो दिखाया था कुछ, बट फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है यूरोपियन वॉशरूम्स में। तो मैं एक बार आप लोगों को अंदर जाके दिखा देता हूँ। यूरोप में कई कंट्रीज़ में आपको ऐसा मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ पे लोग वाटर यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, यूएस में लोग सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, या कई और भी कंट्रीज़ में। बट यूरोप में लोग 2 सीट्स यूज़ करते हैं, इस वाले सीट्स को टॉयलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर इस वाले सीट पर बैठ के और वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ कई कंट्रीज़ में, जैसे इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में, ये सारी कंट्रीज़ में आपको हर वॉशरूम के अंदर में ऐसे 2 सीट्स मिलेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये टॉयलेट करने के लिए होता है और इस पे बैठ के क्लीन करने के लिए होता है। तो है ना अलग चीज़, मतलब हम भी वॉश करते हैं लेकिन हमारे पास स्प्रिंकलर लगा होता है। और अभी भी दुनिया के कई देशों में थोड़े अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं। इनफैक्ट ईरान में जब हम थे तो ईरान के जो लोकल लोग हैं वो तो प्रॉपर जो हमारी इंडियन सीट्स होती हैं वैसा वाला सीट यूज़ करते हैं। वहाँ वेस्टर्न सीट सिर्फ होटल्स में या ऐसे जगह पे जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ऐसे जगह पे बना होता है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, क्योंकि मैं कई बार यूरोप आया हूँ बट ठीक से मुझे भी पहले नहीं पता था, मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। बट इस बार मैंने समझा इसको तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे 2 सीट्स यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू आउटसाइड माई होटल। ये बिल्कुल हाईवे के साथ में ही होटल था, हम बस हाईवे से उतर के यहाँ पर रुक गए थे। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ये होटल है जिसमें मैं रुका हुआ था रात को, अच्छा खासा बड़ा सा होटल है। और ये रही अपनी फॉर्च्यूनर। तो
इन्हीं के कैफेटेरिया से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर कर दिया है। बहुत मुश्किल होती है यहाँ ऑर्डर करने में, कोई इंग्लिश नहीं बोलता है और लिख लिख के बताना होता है, टाइम भी बहुत लगता है, आधी बातों समझते हैं आधी नहीं समझते हैं। एक जगह पास्ता ऑर्डर किया था तो पास्ता और पिज़्ज़ा दोनों ला के दे दिया, तो अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। लैपटॉप बैग तो मैं आगे रखता हूँ सीट के पास में, फटाफट एक कॉफ़ी सैंडविच लेके और आगे बढ़ते हैं। पूरी गाड़ी भरी भरी हुई है पीछे से, पूरा कई बार जूते चप्पल उप्पल जो हम पहनते रहते हैं रास्ते में चेंज करते रहते हैं वो सब ऐसे ही रख दिया है, तो पूरी गाड़ी भरी हुई है। अरे वाह, ऊपर से एक छोटा सा प्लेन उड़ रहा है, ये देखा, ये प्राइवेट वाला जो प्लेन होता है ना, छोटे वाला प्लेन, वो वाला प्लेन है, ग्लाइड करता हुआ पास में ही, बिल्कुल बहुत नीचे उड़ रहा है पास में एकदम। चलिए तो फिर आगे चलें, इधर ही बाहर बैठ के ओपन में ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का प्लान है, ताकि इस व्यू के साथ हम ब्रेकफास्ट कर सकें। ये है हमारा स्पैनिश ब्रेकफास्ट। यहाँ की कॉफ़ी भी थोड़ी सी अलग होती है, मतलब हम कैपुचिनो कहते हैं बट ये मिल्क कॉफ़ी कहते हैं, और ये देखो कैसे ग्लास से हमें मिला है तो, और ऊपर झाग झाग सा है। सो ये कॉफ़ी है, और ये इनका कोई एग का डिश है, कोई लोकल स्पेनिश डिश है एग के साथ में, तो ये ब्रेड भी दे देते हैं साथ में। तो ये हमारे यहाँ जैसे अंडे में ब्रेड लगा के खाते हैं, तो ये थोड़ा स्पेनिश अंडा और ब्रेड, और इसके साथ में एक स्पेशल वेज सैंडविच आने वाला है, जो कि वो हमारे लिए बना रहे हैं। नॉर्मली उनके मेन्यू में कोई भी फिश चिकन के अलावा सैंडविच नहीं था, बट स्पेशली हमारे लिए उन्होंने बिना उसके फ्रेश बनाने की बात कही है। और होटल के बाहर बैठ के इस अमेजिंग वेदर में खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो फाइनली हम लोग स्पेन से गुजर रहे हैं, और जल्दी ही अगले 2-3 घंटे में स्पेन एग्जिट भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही अमेजिंग जगह पर रुकने वाले हैं, और वो है एक बीच लोकेशन जहाँ पे गेम ऑफ थॉर्न्स की शूटिंग हुई थी। लेकिन वहाँ हम पहुँचे उससे पहले ये वाला व्यू देखिए, ये कैसे पहाड़ को काटा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर नाइफ से चीज़ केक को काटा गया हो, उतने अच्छे से, उतने सटीक तरीके से एकदम इसको काटा हुआ है। 20 किलोमीटर के आसपास एक गलत टर्न लेते, 20 किलोमीटर के आसपास फ्यूल खर्च तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम और वो चीज़ें भी तो हैं, फ्यूल तो चलो देखो हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है करीब 20 रुपये पर किलोमीटर का, रफली 20 रुपये पर किलोमीटर तो 20 किलोमीटर का मतलब 400 रुपये, और प्लस एक दो टोल एक्स्ट्रा लग गए तो 100-200 रुपये उसके लग गए शायद थोड़े ज़्यादा। तो रोज़ का अपना जो फ्यूल है वो करीब 15,000 रुपये में जो टंकी होती है वो लग जाता है। हाँ एक टंकी, अभी तो हम लोग 600-700 किलोमीटर रोज़ चल जा रहे हैं ना, तो 14-15 हज़ार रुपये फ्यूल के हो गए, 1,000-2,000 रुपये टोल का भी हो जाता है रोज़ का, तो उसके बाद में करीब 7-8 हज़ार रुपये होटल का भी हो जाता है रोज़ का, 5,000 रुपये तक खाने का भी हो जाता है रोज़ का, तो 25,000-30,000 रुपये के आसपास का रोज़ का भी खर्चा चल रहा है हमारा। महंगी कंट्रीज में, यूरोप में, यूके में, ऐसी कंट्रीज में, वहीं हम ईरान टर्की में थे तो कम था, टर्की में करीब 15,000 रुपये पर डे का खर्चा था, और ईरान में तो 10,000 से भी कम था, क्योंकि वहाँ मेन जो फ्यूल कॉस्ट है इसमें वो तो ज़ीरो हो गया था वहाँ पे। अच्छा प्लस अभी मैं 25-30 हज़ार उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन हम बहुत कार चला रहे हैं, 500-700 किलोमीटर चला रहे हैं, तो कुछ डेज ऐसा भी है जिस दिन हम सिर्फ 300 किलोमीटर पे दूसरी सिटी में जाके रुक जा रहे हैं, तो अच्छा। उस दिन हमारा खर्चा शायद 15,000 से 20,000 के बीच में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक इनको भी मिला लेना, जैसे कुछ टिकट्स ले रहे हैं हम लोग बुल फाइटिंग शो के या इस तरह के, या कैपेडोकिया का, इन सब चीज़ों को भी मिला लें तो एक एवरेज आउट करके उतना आ ही जाता है। तो फाइनली हम ये गैजटू लुक्सटे सिटी में पहुंच गए हैं जहां पे गेम ऑफ थॉर्न्स की शूटिंग हुई थी,
और जल्दी ही हम बीच के पास भी पहुंचने वाले हैं। हमारे पास में मतलब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सी वाला ही एरिया है, और ये छोटी सी सिटी है। इस सिटी को ये पूरा सी वाला एरिया है, तो ये बहुत छोटी सी सिटी है। तो छोटी सिटीज़ में आके ना एक अलग ही लोकल जो कंट्री की एक्चुअल वाइब होती है वो आती है। कैसे ये रोड्स हैं, ये साइड में लोगों की पार्किंग है, दोनों तरफ घर हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और बहुत ही छोटा सा शहर है। मतलब मुझे लगता है कि 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का पूरा शहर होगा, लेकिन तब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उसमें काफ़ी क्राउड है। और रेस्टोरेंट्स तो यहाँ रोड साइड ही होते हैं, तो रोड पे उनके चेयर्स वेयर्स लगे हुए हैं, तो हम लोग जब क्रॉस कर रहे हैं तो वो लोग भी हमें ध्यान से देख रहे हैं कि अरे ये कौन आ गया। हमारे देश में इस समय में नॉर्मली ऐसे छोटे सिटीज़ में कुछ ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते नहीं है ना। ये सब जैसे यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, राइट साइड में आगे भी कुछ कुछ है, ये शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ के बीच एरिया जो एक्चुअल जिस पॉइंट पे अभी हमें जाना है वो है यहाँ से 3-4 किलोमीटर और दूर, बट पहुंचने ही वाले हैं बस हम 5-10 मिनट में यहाँ पे। ये बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है इस जगह का, गैस्टेलुगत्से। अजीब सा नाम है, पढ़ने में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, और अभी भी मुझे पता नहीं कि मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ या नहीं। ये पूरा लेफ्ट पे सी का एरिया है, ये व्यूइंग पॉइंट बना रखा है, लोग यहाँ से सी देखते हैं। तो हम पहुँच गए हैं गैस्टेलुगत्से में, और ये पार्क हो गई मेरी गाड़ी। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से उतरने का, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं। इनफैक्ट एक पीछे की पार्किंग तो हमें पूरी फुल मिली है। और ये इधर की तरफ हम उतर के नीचे जा रहे हैं, शायद इधर से जाने का रास्ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से ही जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये नाम है इस जगह का गैस्टेलुगत्से, मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं यहाँ के लोग तो बहुत अलग प्रोनाउंस करते होंगे, बट अगर हम इंग्लिश में बात करें तो गैस्टेलुगत्से, गैस्टेलुगत्से। और ये पॉइंट है, ये वो रॉक्स हैं जहाँ पे वो गेम ऑफ थॉर्न्स वाली शूटिंग हुई है, और अभी चलते हैं इनको ढूंढने और घूमने आगे की तरफ, वे टू गैस्टेलुगत्से। ये बड़े गड़बड़ है यार, ये कह रहे हैं कि जो व्यूइंग पॉइंट है ऊपर वहाँ से तो आप देख सकते हैं, बट नीचे एक्चुअल जो स्पॉट है वहाँ तक जाने के लिए टिकट्स लेने होते हैं, और कह रहे हैं कि शायद आज का टिकट फुल हो चुका है, क्योंकि एक दिन में ये सिर्फ 400 लोगों को टिकट देते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे हैं इट इज़ आवर नेचुरल प्लेस सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, तो दिन में सिर्फ 400 लोगों को देते हैं। तो अब देखता हूँ, ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर कहीं से टिकट मिल जाता है तो, बट अगर नहीं मिलता है टिकट तो शायद हमें दूर से ऊपर से व्यूइंग पॉइंट से ही देख के काम चलाना होगा। ये कुछ रास्ता है ऐसा जाने का गैस्टेलुगत्से, यहाँ से ऐसे नीचे जाने का रास्ता है। और अभी फ़िलहाल मैं पहले टिकट लेने की कोशिश करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है उससे। एंड वाओ, दिस इज़ द अमेजिंग व्यू ऑफ गैस्टेलुगत्से, सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है। अरे वाह, तो यहाँ कहीं से लोग एंटर कर रहे थे, ये जो पेड़ है इसके बैक से, और ये पैदल चलते 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 काफ़ी दूर वहाँ तक लोग वॉक करके जाते हैं, ये जो इसका पॉइंट है व्यूइंग पॉइंट लास्ट वाला। बट ये है कि उसके टिकट्स लिमिटेड थे, तो ये एक दूसरा व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके देखते हैं, तो मैंने सोचा इसी वाले व्यूइंग पॉइंट से देखा जाए। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वो गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। चलो भाई, तो गैस्टेलुगत्से घूमना हुआ पूरा, बढ़िया था, मज़ा आया, दूर से देखा लेकिन वो पूरा व्यूइंग पॉइंट जो है वहाँ से जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह की शूटिंग हुई थी वो सब देखे, मज़ा आया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, मन था बैठ के उस व्यू पे कुछ
खाने का, चाय कॉफ़ी का, लेकिन बहुत भीड़ थी, लंबी सी लाइन लगी थी, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसी सिटी में आगे चलते हैं, डीजल भी ख़त्म है, डीजल भी डलाएंगे और कहीं बैठ के कॉफ़ी ऑफ़ी भी करेंगे और फिर आगे निकलेंगे फ्रांस के लिए। तो बताइए आज का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस घूमने का? बहुत ही मज़ेदार, गैसते लुक्सते गैसते लुक्सते गैसते कुछ तो ऐसे ही ना होता, गैसते लुक्सते वाज अ नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छा व्यू था, मौसम तो अच्छा हो ही रहा है स्पेन का, तो बहुत ही मज़ेदार था। ये वो गैस्तू लुक्ते सिटी है, बट यहाँ से ना बड़ा अच्छा सी का व्यू आ रहा था, मतलब मैंने दूर से हाईवे से लोगों को देखा यहाँ पे, तो फिर मैं भी पार्किंग में गाड़ी लगा के आ गया हूँ, सोचा कि ये अच्छा सा व्यू एक बार देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, मेरे दोनों तरफ अपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, और ये पूरा व्यू है, ये दूर दूर तक हिल्स वगैरह हैं दोनों साइड से। This is the view. सर्फिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे, आई गेस सर्फिंग सीख रहे हैं शायद। तो रुक गए हैं, थोड़ी सी चाय कॉफ़ी कर लेते हैं। ये अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट मिला है, ये देखिए बाहर सब लोग बैठ के ऐसे खाते हैं, और ये नज़ारा है यहाँ का। ये सामने पे लॉन टेनिस का कोर्ट है, ये ऐसी रोड्स हैं, तो यहाँ रुक के कुछ खाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो आज ये लंच था मेरा, दाल, इस दाल में भी वो था चिकन के पीसेस थे और ब्रेड, तो ये लोग ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, और ये फ्राइड फिश, कोक, और शायद इसके बाद में कुछ स्वीट डिश भी ला के देंगे ये लोग। सो ये प्रॉपर 3-course meal है जो स्पेनिश रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है। चलो भाई, तो डिनर हो गया करीब, लंच हो गया करीब, 20 यूरो का बिल था, 19 यूरो 80 सेंट्स, मतलब अपने करेंसी में करीब 1800-1850 रुपये का। खाना प्रॉपर स्पेनिश था, मतलब वो फिश था फ्राइड वाला जो इनका मेन कोर्स था, और वो भी बिना रोटी चावल इस तरह के देते हैं, और ऐसे भी फ्राइड है तो उसके साथ रोटी चावल खाया भी नहीं जा सकता है, तो बट एनीवेज फ़िश तो मैं खाता हूँ, तो फ्राइड फ़िश एक खाया है, और लेंटिल सूप था, हालांकि उसमें भी चिकन डल गया था तो प्रीति नहीं खा पाई, सिर्फ ब्रेड और कोक उसने लंच किया है, और मैंने तो अपना जो भी था बट फिर भी मैंने उसमें से खा लिया है। तो और चीज़ केक लास्ट में जो डेज़र्ट था उनका, वो बहुत टेस्टी था। यूरोप वगैरह में, स्पेन में, फ्रांस में बहुत अच्छे ये डेजर्ट्स, चीज़ केक और ये सब चीज़ें मिलती हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो दैट वाज नाइस। एनीवेज करीब 20 यूरो का बिल था, 1800-1900 में लंच हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से फ्रांस की तरफ। यहाँ पे पूरे यूरोप में हमें सबसे सस्ता डीजल मिला है, 1.689, मतलब 1.69 यूरो का एक लीटर है, मतलब करीब 165 रुपये के आसपास होगा। तो सेम कंट्री में हाईवेज पे 1.75 या 1.8, 1.9 तक का डीज़ल मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अभी हम छोटी सिटी के अंदर में आए हैं, तो मुझे लग रहा है सिटी के अंदर में, स्पेशली छोटी सिटीज़ वगैरह में प्राइसेस थोड़े कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट डल चुका है हमारा डीज़ल, 62 लीटर हो चुका है। तो ये फाइनली हम लोग, ये स्पेन का लास्ट था, और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं फ्रांस। तो यहाँ देखेंगे बहुत छोटा सा, कोई बॉर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बहुत छोटा सा लिखा होगा यहाँ पे, ये जो गोल सा बोर्ड है ये देखिए, यहाँ पे फ्रांस लिखा है इस पे, ये फ्रांस का में हम एंटर कर गए हैं, और ये फ्रांस का टोल जो है ये शुरू हो गया है। तो लेट्स सी कि कैसे पे करना है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है या मशीन है, कार्ड है, लेट्स ट्राई इट। तो ये हम एंटर कर रहे हैं फ्रांस, फ्रांस एंटर करते ही हमारा फर्स्ट टोल आया है, एंड नो चेकिंग, नो वीज़ा, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें जो इनका हम रोड यूज़ करेंगे ना, तो एक टोल की तरह है, हमें ये टोल लेके, टोल की रिसीट लेके, और हमें आगे यहाँ से बढ़ना है। तो ये देखना यहाँ से पहले लेने का है या रिसीट लेना है या यहीं कार्ड से पे करना है शायद।
ये हाँ कार्ड से पे करना है, तो ये 190 यूरो है, लगा दो उसको कार्ड को। 190 यूरो का मतलब 1 यूरो 90 सेंट्स, मतलब करीब 200 रुपये है फर्स्ट स्टोर का यहाँ पे। ये जैसे ही हमने कार्ड से लगाया, टच किया, और ये ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है कार्ड से ही, और हम अब फ्रांस में टोल पे करके यहाँ की सड़कों पर आ गए हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था कि हर कंट्री को एक एक डिफरेंस होता है थोड़ा सा रोड वोड के बनावट में, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट एक फील जो है एज ऑफ रोड या ऐसा कुछ है, जो बीच की बैरिकेटिंग है उसका हल्का सा कुछ डिज़ाइन वगैरह कहीं डिफरेंट होता है। सो ग्रेट, फाइनली वी हैव एंटर्ड फ्रांस। एंड ऐसे तो पेरिस यहाँ से भी 800 किलोमीटर दूर है, बट हम करीब यहाँ से 700 किलोमीटर दूर के आसपास कोई बीच है वहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो 700 किलोमीटर दूर जो बीच है वहाँ हम रात के 12 बजे के आसपास 12 साढ़े 12 बजे पहुँचेंगे। थोड़ा लेट पहुँचेंगे क्योंकि एक घंटे रुकेंगे भी, इसलिए अगर डायरेक्ट जाते हैं तो 12 साढ़े 12 पहुँचेंगे। तो आज रात को वहाँ पहुँचते हैं, फ्रांस में देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से अभी कोई जगह वगैरह भी ढूँढनी है, बीच किनारे रिजॉर्ट ढूँढना है कोई। ये मशीन है जिसमें जिसको पानी देने के लिए यूज़ करते हैं, ये नीचे इसके टायर्स लगे हैं, तो ये इतने बड़े से एकर्स में खेतों में ये पूरा यहाँ से वहाँ तक मशीन के थ्रू चलता है, और इसके ऊपर ये जो स्टील वाला पोर्शन है इनमें ये स्प्रे के थ्रू पूरे खेत को वाटर कर देता है, इरिगेशन सिस्टम का काम करता है। तो करीब 500 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का रास्ता और बचा है। समय ऑलरेडी यहाँ पे 8:30 हो चुका है, आधा घंटा के आसपास हमें और लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट्स कुछ खाने पीने में, फिर 9:45 रात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 400 किलोमीटर और ड्राइव करना है, मतलब रात के 1:30 बजे 2 बजे ऐसे कुछ पहुँचेंगे। ये पूरा खाने का एरिया है, खाना कॉफ़ी ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो डीज़ल तो डल गया है, फ्रांस का डीज़ल महंगा था, 2 यूरो से ज़्यादा ऊपर था, 190 रुपये लीटर था। और ये है सारा यहाँ का खाने वाने का अरेंजमेंट, स्टीक एंड शेक के नाम से है, बर्गर फ्राइज मिल्क शेक स्टीक बर्गर्स हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ खाने का लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ये आ गया है मेरा डिनर, ये आलू फ्राई जो अपने यहाँ फ्रेंच फ्राइज होता है, बट ये थोड़ा आलू टाइप का लग रहा है देखने में, और ये स्ट्रॉबेरी शेक, और ये मेरा वेज बर्गर, और एक ये भी वेजिटेरियन सैंडविच है। ये ऐसा कुछ ये वेजिटेरियन सैंडविच है, और ये एक छोटा सा केक है खाने के। सो ये हमारा आज का डिनर है, क्योंकि जहाँ हम पहुँच रहे हैं हमने फिर से एयरबीएनबी बुक किया है, एक बीच डेस्टिनेशन है, तो कल फिर बीच पे मज़ा आने वाला है। अभी तक अपने इस ट्रिप पे मैं किसी भी बीच पे, मतलब बीच पे गया हूँ बट बीच एंजॉय नहीं किया हूँ। ग्रीस में भी गए थे तो बीच था, इस्तांबुल में भी बीच था, बट हर जगह दूर से बीच को देख के फेरी करके ये सब करके आ गए हैं। दुबई में थोड़े टाइम के लिए मैं बीच को गया था, नाइट बीच था, तो शाम को गए थे 8-9, 7-8 बजे। बट कल फ्रांस के पास में, पेरिस के पास में ही एक बीच है, करीब पेरिस से 200 किलोमीटर दूर, 170-180 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे कल बीच को एंजॉय करेंगे। एयरबीएनबी बुक किया है तो घर का खाना खाएंगे, और कल का दिन पूरा दिन बीच पे स्पेंड करने के लिए फ्री रखा है। तो कल के बाद में फिर परसों पेरिस आईफिल टावर वगैरह घूमा जाएगा, तो कल सिर्फ बीच। तो हम लोग पहुँच गए हैं फ्रांस में, पेरिस से करीब 180 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूर एक सिटी है बिल्कुल बीच के किनारे, डी ला बोला नाम है, तो डी ई एल ए ऐसा कुछ सफिक्स लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं नेम्स वगैरह के पहले, तो हो सकता है कि ये प्रीफिक्स हो और सिटी का नाम बोला हो। सो डी ला बोला सिटी है जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, और अगेन मैंने बुक किया है यहाँ पे एयरबीएनबी, तो क्योंकि 2 नाइट्स के लिए रुकने वाले हैं, कल दिन भर बीच एंजॉय करना है। अब अभी अपार्टमेंट में चेक इन करने के लिए एयरबीएनबी में हम लोग हमेशा ना एक वो रहस्यमयी खजाने की तरह ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, तो थोड़ा पार्ट तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाया, क्योंकि जब मैं इस रोड से एंटर किया तो पूरा एक मैप सा दे रखा था, उससे ढूंढते हुए हमें अंदर आना था, और अपनी ये पार्किंग ढूंढनी थी। अब ये पार्किंग उसने बोला था कि डैना के नाम से एक पार्किंग होगी,
तो ये रहा, ये देखिए जमीन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डैना। तो ये डैना की पार्किंग हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, और ये डैना की पार्किंग ढूंढने के बाद में यहाँ पे लगा हुआ है ये की का बॉक्स। अब इस की के बॉक्स को मैं खोलूंगा और इसमें यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा। यहाँ पे नंबर डालने का सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा तो अभी मेरी कीज निकलेंगी। बट मैं नंबर तो पूछ लूँ क्या नंबर है। और मुझे ये बताओ कि अपार्टमेंट जो है हमारा वो सेकंड फ्लोर पे है ना, तो यहीं पे कार कहाँ पे पार्क होगी? यहीं पे पार्क होगी। तो ये डैना की पार्किंग में वो खंबा लगा है तो पार्क कैसे करूँगा? अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ। वो खंबा जो है वो गिरने का सिस्टम है, कोई और ना लगाए इसके लिए वो खंबा है, क्योंकि और लोगों के में वो नहीं है वो खंबा। चलो मैं देखता हूँ, पहले इसको मैं खोलता हूँ। खुल गया, और ये हो गया लॉक। इसको गिराने का कोई सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी कार को कर देता पार्क। चलो पार्किंग का कुछ और जुगाड़ करेंगे। चाबी तो मिल गया, चाबी तो मिल गई है दोनों। पार्किंग का कुछ और जुगाड़ करते हैं। नहीं यार ये कैसे होगा? आई एम श्योर कि वो पार्किंग होता होगा और वो खम्बा जो है वो नीचे जाता होगा। साइड से एक आध बटन भी दिख रहा है, बट वो खम्बा नीचे जा नहीं रहा है। देखो मुझे लग रहा है यही यही ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट है तो एक बार जला के देखो, मोबाइल से जलाना है लाइट, क्योंकि बाकी सब में लोगों के नाम लिखे हैं यहाँ पे पीछे में, बट इस वाले में नाम नहीं लिखा है कोई। तो भाई 5 मिनट तो ये समझने में लग गए कि ये गेट खुलेगा कैसे। फाइनली अब समझ में आया है इस की में कोई सेंसर है। यहाँ पे टच करने से ये ग्रीन हो गया और अब ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा। नहीं तो, और वो भी ओनर को फ़ोन ही करना पड़ा। फाइनली रात के 1:30 बज रहे हैं और वो जो ओनर है उसको फ़ोन करना पड़ा। तो ना थोड़ा गेट खोल कर रखना, मैं आपसे सामान उठा रहा हूँ। चलो ये एलिवेटर। ये एलिवेटर वाला एरिया है, अपार्टमेंट है जैसा है प्रॉपर। तो 4, 5, 6 कमरे हैं। वो सामने 6 नंबर का अपार्टमेंट है, मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का है। ये हमने प्रेस कर दिया सेकंड फ्लोर। वाओ, तो ये कमरा है काफ़ी अच्छा सा है, मतलब छोटा सा है बट प्यारा सा है। ये बिल्कुल साफ सुथरा सा, ये वाइट कमरा है। ऊपर कबर्ड है, ये कुछ डिजाइन डिजाइन का है। ये 2 चेयर्स हैं बैठने के, इसमें बैग रखता हूँ सबसे पहले। ये डस्टबिन है, ये इतने में ही छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है 2 लोगों के खाने के लिए यहाँ पे, स्लैब जैसा। और इधर ये पूरा किचन है, ये वो है क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन वाला बनाने का है, माइक्रोवेव वगैरह है। तो यहाँ पे रात को खाना वाना बनाने में, मतलब कल खाना वाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इधर से लाइट ऑन कर दें तो लाइट वाइट में और भी अच्छा लगता है। ये थोड़े डिज़ाइनिंग वाले एलिमेंट्स भी हैं, एसी वेसी भी लगा हुआ है, टीवी वगैरह नहीं, एसी नहीं लगा है क्योंकि शायद यहाँ पे ठंड होती होगी तो एसी नहीं है, बट टीवी वगैरह का रिमोट है शायद यहाँ पे। कुछ चार्जर वगैरह भी है। और ये आ गया वॉशरूम एरिया। वॉशरूम भी अच्छा है, साफ सुथरा सा है। ये है इधर, और ये इधर ये बाथरूम एरिया है, ये सामान वामान रखने के लिए। ठीक है जी, चलिए तो बढ़िया है, आज के लिए इतना ही।